Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel, friends. I hope you all are doing well and good and आपकी preparation भी काफी अच्छे से चल रही होगी. तो लेकर आई हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है SSC JEE Recruitment 2023 के लिए. सो फ्रेंड्स, ये आपका ग्रुप बी का पोस्ट रहने वाला है. हर साल SSC के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट की जाती है. तो ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है. मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है. तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल वे में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या रिक्वायरमेंट्स है, एज लिमिट क्या होना चाहिए. साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको जो एग्जाम की पैटर्न है, कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम डेट, सारा कुछ डिटेल वे में बताने वाली हूँ. तो अगर आप भी इस जबरदस्त जॉब की रिक्रूटमेंट को लेकर अगर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. तो चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम को बर्बाद करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकल कर के आई है, आपको 1327 यानी 1327 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आ चुकी है. जो कि अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लास्ट ईयर ये वैकेंसी ना इससे दुगना था. मतलब 2800 समथिंग सीट के लिए लास्ट ईयर वैकेंसी आई थी. पता नहीं क्यों इस साल SSC की जो भी वैकेंसीज आ रही है वो धीरे धीरे उसका सीट डिक्रीज होते जा रहा है. तो आप सबको अगर इसके पीछे का रीजन पता हो तो कमेंट करके बताना. अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. फ्रेंड्स, अगर कैटेगरी वाइज बात करें हम लोग तो जनरल के लिए 613 सीट्स, EWS के लिए 121, OBC के लिए 288, SC के लिए 200, ST के लिए 20 सीट यहाँ पे रखी गई है. ये आपको फ्रेंड्स जो है डिपार्टमेंट वाइज भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जिसको आप लोग नोटिफिकेशन में जाके एक बार चेक कर लेना. इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपका ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्टेड है 26 जुलाई 2023 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई आपका 16 अगस्त 2023 रहने वाला है. साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपका पेपर वन का जो एग्जाम डेट है ना उसका भी अनाउंसमेंट ऑफिशियली SSC ने कर दिया है कि आपका पेपर वन जो है अक्टूबर 2023 में कंडक्ट करा लिया जाएगा. तो अपनी तैयारी की स्पीड को आप लोग एकदम से बूस्ट कर लो ताकि पेपर वन आने तक आप लोगों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी हो. तो चलो मैं बता देती हूँ आपको फॉर्म की फी क्या रहने वाली है. जनरल, OBC, EWS से 100 रुपीज लिया जाएगा. वहीं अगर आप SC ST या फिर फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट्स हो तो आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला है. योर एज लिमिट विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 अगस्त 2023 एंड आपका वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आई है. डिपार्टमेंट भी अलग अलग है तो वो थोड़ा डिपेंड करता है. तो मोस्टली जो पोस्ट रहेंगे ना उसके लिए मैक्सिमम एज आपको 30 ईयर्स रहने वाला है जनरल के लिए. और CPWD और CWC, मतलब CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए फ्रेंड्स आपका मैक्सिमम एज 32 ईयर्स के अप्रॉक्स रहने वाला है. तो फ्रेंड्स, जो भी पोस्ट आपको अप टू 30 ईयर्स है उसके लिए आपका जो है बर्थ बिटवीन 2 अगस्त 1993 टू 1 अगस्त 2005 के बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप उसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो. CPWD और CWC के लिए जहाँ पे आपको अप टू 32 ईयर्स रखा गया है एज लिमिट, उसमें आपका अगर बर्थ बिटवीन 2 अगस्त 1991 टू 1 अगस्त 2005 के बीच का आपका बर्थ है तो आप एलिजिबल हो फ्रेंड्स. और यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाता है. OBC को 3 ईयर्स के लिए, SC ST को 5 ईयर्स के लिए एंड अदर कैंडिडेट्स को भी रिलैक्सेशन मिलता है. वो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप वहाँ से एक बार अच्छे से देख लेना. तो चलिए अब हम लोग इसका जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, इसका क्वालिफिकेशन, उसको हम लोग देखेंगे. क्योंकि वेरियस डिपार्टमेंट में तो हर डिपार्टमेंट का ना जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से अलग है. कुछ में एक्सपीरियंस मांगा गया है तो मैं सारा कुछ आपको अभी क्लियर करने वाली हूँ. सबसे फर्स्ट डिपार्टमेंट आपका NTRO है यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इसमें आपको जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए फ्रेंड्स इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपको रिलेटेड ट्रेड से.
सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD के लिए जूनियर इंजीनियरिंग सिविल और इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है। इसमें भी आपको इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड से, मतलब आप अगर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो ट्रेड चूज करोगे उसका डिग्री आपके पास होना चाहिए। थर्ड डिपार्टमेंट फ्रेंड्स है हमारा फरक्का बराज प्रोजेक्ट FBP। इसमें आपको जूनियर इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल के लिए पोस्ट है। इसमें 3 ईयर का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए सिविल या मैकेनिकल, यानी रिलेटेड ट्रेड से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। देन बारी आती है सेंट्रल वाटर कमीशन का CWC के लिए। आपको फ्रेंड्स जूनियर इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आई है। इसमें आपको इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल या मैकेनिकल ट्रेड से। देन फ्रेंड्स आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट यानी MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसमें जाना बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एक ड्रीम अचीव करना होता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल्स एंड मैकेनिक की वैकेंसी है। इसमें आपको इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड ट्रेड, मतलब सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से, प्लस फ्रेंड्स 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपसे यहाँ पे मांगा जाएगा। अब आ रही आती है हमारी लास्ट डिपार्टमेंट, ये आपका BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसके लिए भी चाहिए होता है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं अपीयरिंग कैंडिडेट हूँ तो क्या मैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता हूँ? कर सकते हो फ्रेंड्स, अगर आपका जो रिजल्ट है ना फाइनल ईयर का वो आपको 16th अगस्त 2023 के पहले पहले आ जाता है तो आप ऑब्वियसली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट वैकेंसी के लिए वेट कर लेना आप। तो चलो फ्रेंड्स अब मैं बता देती हूँ आपको कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो आपको 2 मेजर स्टेज पे डिपेंडेबल रहने वाला है। फर्स्ट आपका होता है Paper 1, देन आपका होता है Paper 2। ये दोनों ही आपको ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका लिया जाता है। तो चलो फ्रेंड्स मैं आपको Paper 1 का जो है एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझा देती हूँ। Paper 1 आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट सेक्शन रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, एंड थर्ड आपका जो रहता है ना वो आपको 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, मतलब रिलेटेड ट्रेड से जिनका जो ट्रेड रहेगा उसके लिए। पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चरल, पार्ट बी होता है जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, पार्ट सी होता है जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। मतलब तीनों में से कोई भी ट्रेड आपका है उसका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, ओवरऑल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, एंड 2 आवर्स का ही आपका पेपर होता है। Paper 1 आपका क्वालिफाइंग होता है, मतलब इसमें क्वालिफाई कर लोगे तभी आप Paper 2 के लिए सेलेक्ट हो पाओगे। फ्रेंड्स अभी आपको बता देती हूँ कि Paper 2 का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ये भी आपका ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें आपका ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन होता है, मतलब कि 3 पार्ट में होता है, पार्ट ए जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चर, पार्ट बी जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और पार्ट सी जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। मतलब कि तीनों में से जो ट्रेड आपका होगा उसका 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए, एंड 2 आवर्स का ही आपका पेपर रहने वाला है। इसमें से फ्रेंड्स एक ऐसा भी डिपार्टमेंट है जिसमें आपका फिजिकल प्लस मेडिकल भी होता है, जो कि होता है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। Paper 2 के बाद इसमें आपका फिजिकल प्लस मेडिकल भी होता है, बट फ्रेंड्स आपका जो मेरिट लिस्ट बनता है वो आपका Paper 1 एंड Paper 2 के बेसिस पे ही बनता है। आउट ऑफ 500 आप कितना स्कोर कर पाते हो उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, और आपको जो है कट ऑफ जो रहता है कैटेगरी वाइज डिपार्टमेंट वाइज डिवाइडेड होता है, तो आपको उसको क्वालिफाई करना होता। तो चलो फ्रेंड्स बाकी सारी डिटेल तो मैंने बता दी है। अब आपके मन में ये एक्साइटमेंट आ रही होगी कि इसका इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है। ऑब्वियसली आना भी चाहिए यार, ग्रुप बी की पोस्ट है, आपको SSC CGL के लेवल का रहने वाला है। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका सैलरी होता है ना, स्टार्टिंग सैलरी 50,000 होता है और अप टू आपको 1,26,000 के अप्रॉक्स मिलता है। जब आपकी रिटायरी होती है तो आपको 1,26,000 तक सैलरी मिलती है, और इसमें आपको अच्छे खासे पर्क्स एंड अलाउंसेस भी देखने को मिल जाते हैं। तो इतना सब के बाद फ्रेंड्स आप सभी को ऑलरेडी पता चल चुका है कि जॉब प्रोफाइल जो है वो आपको जूनियर इंजीनियरिंग की प्रोफाइल है, और एग्जाम सेंटर तो SSC की तरफ से आपको ऑल ओवर इंडिया में रखा जाता है, जिसमें से आप अपने पसंद के 3 सेंटर, पसंद नहीं फ्रेंड्स आपके जो नियर बाय सेंटर होते हैं वो 3 आप चूज कर सकते हो।
जॉब लोकेशन होगा आपका ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। सो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने आपको जो भी बेसिक डिटेल बताए हैं एसएससी जेईई रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। अदरवाइज उसे समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, मैं वहां पे आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अगर आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो तो उसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप लोग को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहीं पे फ्रेंड्स आपको मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप चाहो तो वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर देना, ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी न्यू जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।